ये भारतीय जनता पार्टी की एक मैसेजिंग है। 370, राम मंदिर, राष्ट्रवाद, आपको पसंद है तो प्लेट में डालिए, नहीं पसंद तो ना डालिए। हमारे साथ क्या है, हमारी प्लेट ही इतनी बड़ी परात है, उसमें एक ही चीज दही पड़ा हुआ है, वो रायता है। गांधी कई बार पार्टी लाइन कुछ और होती है और वो मंच पे कुछ और घोषित करते हैं। राहुल गांधी से आपको शिकायत है या दरबारियों से आपको शिकायत है? वो सेना आगे नहीं बढ़ सकती जब जर्नैल अपनी ही सेना से मुंह मोड़। एक गाना है कि अर्जुन कपूर का, क्या खाक दोस्ती है, दफ्तर की नौकरी है, करने को जी नहीं है फिर भी करे चले जाओ। सो आई वांटेड, आप समझ रहे हैं, ऐसी दोस्ती जो कि बिल्कुल किसी ने बहुत खूब लिखा है, अगर हम भी सीख लेते चापलूसी का पैंतरा, अगर हम भी सीख लेते चापलूसी का पैंतरा तो कई पदों से नवाजे जाते, पर जमीर बेच के जमींदार कहलाना हमें कबूल नहीं। देखिए, दो प्रकार के नेता हैं कांग्रेस में, कार्यकर्ता। पहले जिनके लिए घर कांग्रेस पार्टी है, जो मेरे जैसे, दूसरे जिनका घर कांग्रेस से चलता है। तो जिनका घर कांग्रेस से चलता है वो आज हावी है उन लोगों पे जिनके लिए घर कांग्रेस है या था। बहुत ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अच्छे अच्छे पदों पे आना चाहते हैं पर आज वो इन दरबारियों की दीवार लांग नहीं पा रहे। राहुल गांधी से आपको शिकायत है या दरबारियों से आपको शिकायत है? आप बताइए, दुनिया की कौन सी सेना है जिस सेना के जर्नैल ने, जो हम पंजाबी में बोलते जनरल, जर्नैल ने अपनी ही सेना से मुंह मोड़ लिया। वो अपनी ही सेना से नहीं पूछ रहा कि कौन कमजोर, कौन ताकतवर, कौन बीमार, कौन अच्छा, कौन सेना के अंदर चोरियां कर रहा है, कौन निस्वार्थ होकर सेवा करना चाहता है। तो वो सेना आगे नहीं बढ़ सकती जब जर्नैल अपनी ही सेना से मुंह मोड़। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक जोरदार राजनीतिक पार्टी से अब एक बहुत ही बुरी तरह चलाया हुआ एनजीओ बनती जा रही है। स्पोक्सपर्सन इज द फर्स्ट, एक पहला जरिया होता है जिसके जिसके जरिए लोग जो हैं वो जान पाते हैं पार्टी क्या सोच रही है। और जितना मुझे समझ में आता है, इट इज लाइक लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा, दिस इज व्हाट, राइट? कांग्रेस में रहते हुए आपको लगा कि आपको कई बार आप मौके चूके? आर्टिकल 370, हम कहीं ना कहीं मैसेजिंग में वीगनेस आ गई। क्या हम 370 हटाने के खिलाफ है कि क्या हम जिस तरीके से हटाया गया उसके खिलाफ है? एक वो मुद्दा था जहां पूरी जनता कंफ्यूज हो गई और हमें कांग्रेस को कह दिया कि ये देश हित में नहीं बात करते क्योंकि मैसेजिंग नहीं। दूसरा मुद्दा मैं कहूंगा, क्योंकि धार्मिक मुद्दा है, राम मंदिर को लेकर कोई जनता को स्पष्टता नहीं है, कांग्रेस राम मंदिर के लिए है कि नहीं है, संविधान के साथ खड़ी है कि कोर्ट के निर्णय की वेट कर रही है। कई बार श्री राहुल गांधी दिल के बहुत अच्छे आदमी है, अच्छे नेता हैं, कई बार पार्टी लाइन कुछ और होती है और वो मंच पे कुछ और घोषित करते हैं तो फिर वो पार्टी लाइन हो जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर बहुत स्वतंत्रता है कि जब तक बात हो कि बिल्कुल ही मना किया हो कि कोई भी प्रवक्ता, किसी वक्त प्रवक्ता ना भी हो, जो मन आए वो बोल सकता है। चाहे इसलिए आज तक कांग्रेस का स्टैंड किसी को स्पष्ट नहीं हुआ, कश्मीर में और बयान है, कन्याकुमारी में और है, असम में और है, गुजरात में और है, और एक स्पष्ट पार्टी लाइन जब तक आती है तब तक काम हुआ होता है। आपको लगता है बीजेपी कांग्रेस से किन चीजों में बेहतर है? भारतीय जनता पार्टी के अंदर चुनाव जीतने की भूख है, उनके यहाँ अंदर आग जलती रहती है 24 घंटे। दूसरा जो मुझे इनकी सबसे बड़ी ताकत लगती है कि मैसेजिंग में अच्छी बुरी की बात स्पष्टता है। आप रेस्टोरेंट में जाती हैं, आप एक बुफे लगा होता है, दाल चावल शाही पनीर बटर चिकन शाही टुकड़ा, आपकी आंख को साफ नजर आ रहा है कौन क्या है, आपको पसंद है तो प्लेट में डालिए, नहीं पसंद तो ना डालिए। ये भारतीय जनता पार्टी की एक मैसेजिंग है। 370, राम मंदिर, राष्ट्रवाद, चुनाव कैसे जीतना है, आपको प्लेट में डालना है पर आपको दिख रहा है। हमारे साथ क्या है, हमारी प्लेट ही इतनी बड़ी परात है, परात पंजाबी में परात कहते हो, बड़ा पतीला, ठीक है, उसमें एक ही चीज दही पड़ा हुआ है, उसमें से आप ढूंढी हो कि उस दही में क्या कोई अंदर आलू तो नहीं है, गोभी तो नहीं है, शलगम तो नहीं है, प्याज तो नहीं है, वो रायता है जिसके अंदर कहिए ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको फिगर आउट करना है कि क्या मुझे इसमें से ढूंढ के खाना है। तो बीजेपी हैड द फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज इन 2013-14 व्हेन इट केम टू सोशल मीडिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सोशल मीडिया बहुत टीम बहुत, हाँ, मीम्स बहुत मजबूती से चलती है, पर उसका जितनी जोर से वो ट्विटर, सोशल मीडिया, यूट्यूब है,
उसका तालमेल जितना जमीन पे जोर लगाना चाहिए था वो नहीं। देखिए ये दो हाथ हैं, जमीन की पॉलिटिक्स और सोशल मीडिया, ऐसे करेंगे तो ताली बजेगी। हमने ऐसे तो कर लिया और दूसरा हाथ जेब में डाल लिया। अगर आपने युवाओं की बात करनी है तो आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी श्री राहुल गांधी से तकरीबन 20 वर्ष से ज्यादा बड़े, अधिक, फिर भी यंग वोटर की वोट उनको गई है। तो युवा जोश और युवा सोच के साथ साथ एक एजेंडा सेटिंग पावर होनी चाहिए, नैरेटिव सेटिंग पावर होनी चाहिए, वोट मैग्नेटिक अट्रैक्शन होनी चाहिए उसको सफल करने। इट टेक्स टू टू टैंगो, वन हैविंग द एज एंड द लुक अलोन इज नॉट सफिशिएंट। आपको लगता है कि कांग्रेस के ये चीज जो है ये बाकी पार्टियों से बहुत अच्छी है, एंड आई एम गोइंग टू मिस इट? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मेरा एक परिवार का हिस्सा था, मेरी दोस्तियां यहाँ हुई, मेरे कई रिश्ते यहाँ बने, तो मैं उनको इस बात को बहुत मिस करूंगा। वो भी अब मेरे साथ शायद ट्विटर पे या घर पे या बाहर नहीं दिखना चाहेंगे कि क्योंकि मैंने कोई आवाज उठाई।